पिछले साल 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की घोषणा की थी, फिट इंडिया मूवमेंट। और इस साल 15 अगस्त को उन्होंने इसी से जुड़े एक और कार्यक्रम की घोषणा की, फिट इंडिया फ्रीडम रन। इन दोनों विषय पर विस्तार से जानने के लिए इस समय हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं टेबल टेनिस के जाने माने कोच श्री जितेंद्र बिष्ट। आप वर्तमान में रायपुर स्थित साई स्पोर्ट्स सेंटर में नियुक्त हैं। जितेंद्र बिष्ट जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की घोषणा की थी, फिट इंडिया मूवमेंट की। ये लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी पर, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 29 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत करी। इसका मेन सेंटर बनाया गया था इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में, और वहां से सब बच्चों को, जिनका एक मोटो था, जो प्रोफेशनल्स हैं कॉलेज में, अपने ऑफिस में जाते हैं काम करने के लिए, 6 से 8-8, 10-10 घंटे बैठते हैं, और फिर उनको थोड़ा हल्की हल्की बीमारी लग जाती है, कभी किसी के कमर में दर्द, कभी किसी के कोई प्रॉब्लम, कभी किसी के प्रॉब्लम। उस चीज को देखते हुए उन्होंने एक जागरूकता अभियान चलाया कि जो है हमको फिट इंडिया का प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए। इसलिए उनका एक नारा था कि 2 किलोमीटर हर एक आदमी को अपना वॉकिंग करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, जिससे उसका दिन भर जो का शेड्यूल है वो फ्रेश महसूस करे। और कोई भी आदमी अगर सुबह ग्राउंड पर जाता है या कहीं घूमने जाता है, तो उसको 2 किलोमीटर जाने के बाद में उसको इतना देर पॉल्यूशन नहीं होता है, वेंटिलेशन की जरूरत नहीं है, बाहर इतनी अच्छी हवा है। अगर उसको इतनी अच्छी हवा लेकर के चले तो दिन में उसकी इसको बीमारियों से दूर रखने के लिए, और दिन भर उसको उसके काम को अच्छा करने के लिए, उसका फिजिकली स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए फिट इंडिया का मूवमेंट स्टार्ट किया गया है, जो कि इस साल 29 अगस्त 2020 को उसका एक साल पूरा होने वाला है। इसमें प्रधानमंत्री जी की एक योजना थी कि इसमें सभी लोगों को, जो हमारे विशिष्ट लोग हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल लाए हैं या अच्छे अपने प्रोफेशनल में अपने जगह में अच्छा काम किया है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो उनको कुछ अवार्ड देने का घोषणा की गई है। जैसे खेल रत्न हो गया, द्रोणाचार्य हो गया, अर्जुन अवार्ड हो गया, इन चीजों को देने के लिए उन्होंने 29 तारीख का डेट जो है डिसाइड किया हुआ है, जो कि हिंदुस्तान के, आपको बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान के जो कई रीजन बनाए हुए हैं, जैसे कलकत्ता एक रीजन हो गया, यूपी और उत्तराखंड का एक रीजन है, तो उसका प्रोग्राम आयोजित कर रहा है। उसमें अवार्ड सेरेमनी जो है, जो यूपी से उत्तराखंड से जो लोग होंगे उनको वहां जाना था लखनऊ, तो उसमें उनको वहां प्राइज दिया जाएगा। दिल्ली में एक प्रोग्राम है, दिल्ली की तरफ के जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं, जैसे देहरादून के लोग हैं, तो उनको भी दिल्ली बुला लिया गया है, तो वहीं उनको अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड से और खेल रत्न जिस जिसको लोगों को दिए जाएंगे उनको वहां पे पहले बुला करके उनके रिहर्सल वगैरह चल रही है, उनका रहने का अरेंजमेंट है, उनका खाने का अरेंजमेंट है, उनका आने जाने का अरेंजमेंट है, एवरीथिंग सब बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से लगा कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बिष्ट जी, मैं ये जानना चाहता था कि जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल फिट इंडिया मूवमेंट की जो बात की थी, वो केवल खिलाड़ियों के लिए भर नहीं था, वो पूरे आम जनता के लिए था, उससे सब लोग जुड़ सकते थे। यस, हाँ, ऑफ कोर्स। और उसमें किस तरह की गतिविधियां करनी थी? उसमें आपको मालूम होगा कि पिछले अभी काफी दिन पहले का प्रधानमंत्री जी का एक क्या था कि चारों तरफ अपना बिल्कुल सफाई करके रखें। जब आप चारों तरफ सफाई रखेंगे तो आप भी स्वस्थ होंगे। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। मेरी पोस्टिंग इस टाइम पे लखनऊ में थी अभी एक साल पहले। तो हम लोग क्या करते थे कि सभी बच्चों को लेकर के हर एक महीने में एक दिन जो है पूरा स्वच्छता भारत अभियान चलाते थे, थोड़ा जो वॉकिंग करने जाते थे हम लोग, और एक महीने में एक लंबी दूरी के लिए हम लोग जॉगिंग करते हुए जाते थे, और लोगों को उत्साहित करते थे कि घर से बाहर निकलने के लिए, सोने से कुछ नहीं होगा, मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन बिस्तर में लेट करके मरने से अच्छा चलते चलते मरना ज्यादा अच्छा है, ये मेरा मानना है। जैसे स्पोर्ट्स कॉलेज में एक फिट इंडिया के मूवमेंट पे हमने जितने भी स्पोर्ट्स कॉलेज के बच्चे थे एक बैनर बना करके, वो 2 अक्टूबर को हमने किया था। वो अभी ये 2 अक्टूबर को फिर होगा, ये फिट इंडिया का प्रोग्राम जो है 2 अक्टूबर को खत्म होगा। तो ये दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं, स्वच्छता का अभियान का चला था, अब फिट इंडिया का चला है। बिष्ट जी, अभी
इस साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने फिर एक और कार्यक्रम की घोषणा की और वो कार्यक्रम था फिट इंडिया फ्रीडम रन। उसमें यह है कि सभी लोगों को बुला करके उसमें भारतीय खेल प्राधिकरण इसमें पूरा सहयोग देता है, वही ऑर्गेनाइज करता है, ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के थ्रू होता है। इसमें सब जितने रेनाउंड जितने प्रसिद्ध वरिष्ठ खिलाड़ी बूढ़े हो गए बच्चे हो गए सब लोगों को हम एक जगह इकट्ठा करते हैं, वहाँ उनको हम रिफ्रेशमेंट वगैरह भी देते हैं और उनके साथ में सबको एक नारा भी लगाते हैं कि हम फिट रहेंगे तो हमारा भारत भी फिट रहेगा, भारत फिट रहेगा तो हमारी एक जो भारत की आइडेंटिटी है वर्ल्ड में बहुत अच्छी सी होगी कि हाँ भाई भारत बहुत स्ट्रांग है। आपको मालूम होगा इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यंगेस्ट पीपल हैं आज के दिन पे, जिनको हेल्दी बनाना एक हम लोगों का, हम कोचेज हैं और प्रधानमंत्री जी हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि हम लोग हमारा हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं बूढ़े हों बच्चे हों सब लोग स्वस्थ रहें और लोगों को भी दूसरे लोगों को भी जागरूक करें। जो ये फ्रीडम रन होगी तो इसके अंतर्गत क्या क्या गतिविधियां होंगी और अगर इसमें कोई भाग लेना चाहता है तो किस तरह से भाग ले सकता है? उसमें एक आप जिस दिन फिट इंडिया का रन होगा उस दिन जहां पे भी वेन्यू होगा वेन्यू पे आप डायरेक्ट आ सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई नहीं आ सकता, बूढ़ा भी आ सकता है बच्चा भी आ सकता है 2 साल का बच्चा भी आ सकता है माँ बाप भी आ सकते हैं, जो भी खिलाड़ी है कोई भी खिलाड़ी आना चाहे तो उसके लिए आते हैं। उसमें अभी हमारे यहाँ तो कोई प्रोग्राम भी आया नहीं है जब, और इसमें आप साई की वेबसाइट में जाके फिट इंडिया लिखिए आपके पास में एक फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म बहुत ईजी है, नाम लिखना है एज लिखना है और अपना सेक्स लिखना है, अब बेस्ट हो गया आप भेज दीजिए उसको सेंड कर दीजिए वो आपके पास में आ जाएगा। आप इसमें एक बहुत अच्छा है इसमें एक हैशटैग करना है आपको रन फॉर इंडिया, डेली आप जॉगिंग करने जाइए 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मिनिमम, पहले अगर आप नहीं कर पाते हैं तो पहले दिन स्टार्ट करिए 1 किलोमीटर से, दूसरे दिन 1 किलोमीटर 10 मीटर जाता हूँ, फिर 1.20 किलोमीटर जाता हूँ, हल्के हल्के आप देखिए आप खुद ही जो एक हफ्ते में आप 2 किलोमीटर दौड़ना आराम से अपना वॉकिंग और जॉगिंग करना चालू कर देंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी यही सबसे एक विनती है कि आप आइए और जुड़िए हमारे साथ में, हम भी जाते हैं। और इसमें एक और है प्रधानमंत्री जी का, ये है कि जो हमारे जो पुराने गेम खो चुके हैं उनको भी जागरूक करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल गेम है वो, जैसे चोर सिपाही खेलते थे हम लोग, कंचे खेलते थे, मार्बल जिसे बोलते हैं, लंगड़ी खेलते थे, पिट्ठू खेलते थे, कबड्डी हो गया, आतिया पातिया हो गया, खो खो हो गया, इनकी भी शुरुआत हर एक साल एक टूर्नामेंट किया जाता है। पिछले साल तो एक टूर्नामेंट हुआ था हर एक जगह में हर एक स्टेट में टूर्नामेंट होता है, इन चीज लखनऊ में होता है यहाँ का मुझे पता नहीं लेकिन मुझे मालूम है कि नवंबर में ये एक टूर्नामेंट किया गया था जिसमें बच्चों बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, मेरे ख्याल 3-4 हजार बच्चे थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। इस बार इस खेल दिवस है उत्तराखंड से 2 बहुत महत्वपूर्ण लोगों को पुरस्कार मिलने जा रहा है, जसपाल राणा को द्रोणाचार्य और विशेष रघुवंशी को बास्केटबॉल में अर्जुन पुरस्कार मिलने जा रहा है, एक गर्व की बात है ये उत्तराखंड के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, द्रोणाचार्य मिलना इतना आसान काम नहीं है, द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना, अर्जुन अवार्ड मिलना या खेल रत्न मिलना कोई भी अवार्ड है इतना आसान काम नहीं है, लोगों को बहुत आसान लगता है द्रोणाचार्य अरे ऐसे खिला दिया हो गया, सालों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए पाने के लिए। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, आपने देखो एक टेबल आपको किसी ने बनाई है तो आप बोलते हैं ये टेबल ना बहुत खूबसूरत है, दिखने में खूबसूरत है ये नहीं देखते किस आदमी ने कितनी मेहनत से और अपने दिल से अपना पसीना बहा करके उसको बनाई है, हमको सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड और मैं तहे दिल से विशेष वर्गवंशी और मिस्टर जसपाल राणा को दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। बिस जी आप खुद एक जाने माने कोच हैं और अपनी कोचिंग से इतने सारे नए बच्चों को तराश रहे हैं, अंत में कुछ जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको और फिट रहने के लिए तत्पर हैं उन लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने देहरादून उत्तराखंड के लोगों से यही रिक्वेस्ट, उनसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को लेकर के आइए, आप ये मत सोचिए आपका बच्चा अभी तो 3 साल का है कहाँ से जाएगा ग्राउंड पे कैसे, नहीं आपको अपने बच्चे को 3 या 4 साल जब वो चलना वॉकिंग करना स्टार्ट करता है तो आप तभी से गेम खिलाना चालू करिए, फिट तो वो अपना हो जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को ग्राउंड पे लेके जाएंगे किसी कोच के पास में लेके जाएंगे फिट के लेके जाएंगे तो आप उसको अपने बच्चे का कैलिबर भी देखिए, आपका बच्चा क्या खेलने के लिए तैयार है, ये खेल जो है ना बहुत तपस्या करनी पड़ती है, पढ़ाई तो घर में बैठ करके आदमी कैसे ना कैसे 6 घंटे 8 घंटे कर लेगा लेकिन खेल के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो बिल्कुल अलग है, दिमाग तो चाहिए चाहिए।
अगर आप अपने बच्चे को ग्राउंड पे लेके जाएंगे, किसी दिन आपको टाइम लगेगा, किसी दिन आपकी मिसेज को टाइम लगेगा, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट उनके पेरेंट्स की, तो फादर किसी दिन अपने बच्चे को लेके जाएंगे, मम्मी किसी दिन अपने बच्चे को लेके जाएगी, तो उससे क्या होगा कि आपका भी एक फिजिकल एक्टिविटी बढ़ता जाता है। और मम्मी पापा का टाइम नहीं लगेगा, दादा दादी हैं, दादा दादी को बोला कि आप, हमारे पास टाइम नहीं है, इस बच्चे को लाके आज ग्राउंड पे लेके चले जाइए, आपको कौन रोकेगा? आप अपने बच्चे को वहाँ खिलाने छोड़िए, एक घंटा दो घंटा आप भी जाओ, वॉकिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए। जितेंद्र बिश जी, आप आकाशवाणी से जुड़े और आपने फिट इंडिया मूवमेंट और फिट इंडिया फ्रीडम रन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।